तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, अल्मोड़ा देघाट हम आए हुए हैं, तो दूसरे दिन की शुरुआत हमारे कुछ इस तरह से हुई। फाइनली गाइस, अभी जो है यहाँ से खंडुआ से मैं जा रहा हूँ नागचुला खाल। तो पूरी वीडियो में अभी देख सकते हैं मौसम जो है बारिश हो रही थी सुबह, और ये मौसम आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे हल्की जो है धूप यहाँ पे खिली हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नागचुला खाल और वहाँ से बीरुदोनी डडोली जाएंगे हम लोग। बाकी अभी ये बारिश के बाद इस तरह से धूप जो है निकल रखी है यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है काफी प्यारी धूप के साथ मौसम यहाँ पे खिल चुका है पूरा। वैसे तो हमें मॉर्निंग में ही यहाँ से निकलना था, लेकिन बारिश के कारण जो है अब जो है मौसम इतना प्यारा हो गया तो हम निकल रहे हैं फटाफट, फिर हम वापस आएंगे यही देघाट खंडुआ गांव में। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है इस तरह से रोड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा रोड जो है उबड़ खाबड़ है यहाँ पे, और हम निकल चुके हैं अभी देघाट से नागचुला और वहाँ से हम जाएंगे बीरुदोनी। और इसी के साथ साथ रास्ते में जो है काफी प्यारे प्यारे जो है नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से पुल भी आपको बीच में मिलते रहेंगे। सुबह मॉर्निंग में जो है बारिश हुई थी, इसी कारण जो है रोड पे ज्यादा धूल मिट्टी नहीं है और हमें जाने में थोड़ा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो काफी प्यारे जो है नज़ारे रहते हैं पहाड़ों पर इस तरह से। ये रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिले तो इन्हें दी मैंने टॉफी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफी। तो फाइनली जो है अभी हम पहुंचे हैं ये नागचुला खाल यहाँ पे, नागचुला खाल का मार्केट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नागचुला खाल का जो मेन मार्केट है वो ऊपर थोड़ा सा है, और हमें जो है यहीं से नीचे जाना है बीरुदोनी और वहां से मैं जाऊंगा डडोली गांव। तो थोड़ा सा हमने यहाँ से सामान लिया दुकान से और उसके बाद हम देख सकते हैं आप लोग, और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधा बीरुदोनी के लिए। और इसी के साथ साथ खूबसूरत मौसम के साथ साथ पहाड़ों पे राइड करने का मजा ही कुछ और होता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं काफी प्यारे प्यारे इस तरह से नज़ारे भी आपको छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। तो फाइनली जो है अभी आप लोग देख सकते हैं पहुंचे के यहाँ पे डडोली में, और इसी के साथ प्यारा सा ये मार्केट बीरुदोनी का, और हमें जाना है मल्ली डडोली। तो पहाड़ों पे ना गांव जब दो एरिया में बटा होता है, नीचे की साइड को बोलते हैं, नीचे वाले गांव को बोलते हैं तल्ली डडोली और ऊपर वाले गांव को बोलते हैं मल्ली डडोली, यानी कि एक गांव के दो हिस्से रहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना है मल्ली डडोली, और इस तरह से रोड आप लोग यहां पे देख सकते हैं खूबसूरत जो है प्यारे पहाड़ों के नज़ारों के बीच मैंने गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क पे लगा दी है, और देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं बीरुदोनी डडोली गाँव में, मुझे जाना है यहाँ। तो ये प्यारा सा जो है चारों तरफ का खेत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों। लास्ट टाइम जो है मैं इस डडोली गांव में जो है 2014 में आया था, तो इस टाइम जो है देघाट जब दोस्त के यहाँ आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस गांव में आऊँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ घर में, और इस तरह से पूरे गांव का ये देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा यहाँ से रहता है डडोली गाँव से, चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली आपको दिखेगी इस तरह से, और मौसम भी काफी साफ है, धूप जो है खिली हुई है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों जो है अभी मैं यहाँ पौड़ी में जो है डडोली गांव में जो है मिल के उन लोगों से अब मैं फिर वापिस जा रहा हूँ देघाट। इसी के साथ साथ हम पहुंचे हैं अभी नागचुला मार्केट, और नागचुला खाल का ये प्यारा सा मार्केट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और सबसे खास खड़ी बड़ी बात जो है नागचुला खाल की है कि यहीं से आप अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी तीनों जो है जिले आपको इसी यहीं से मिल जाएंगे। तो फाइनली जो है गाइस अभी जो है हम जा रहे हैं सेरू बनेरिया गाँव में, तो ये पुल जो है अभी यहाँ पे बना है नया, बाइक मैंने ऊपर रोड पे वहाँ पे ऊपर खड़ी कर दी है। तो हम लोग जा रहे हैं सेरू बनेरिया गाँव में, तो देख सकते हैं आप लोग दोस्त भी है साथ में, और ये
प्यारे प्यारे खेत के नजारे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप पहाड़ों पे आओ तो हमारे जो गांवों के नाम मिलेंगे आपको, काफी अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। तो फाइनली जो है दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सेरू बनेरिया गांव में यहाँ पे, और सामने जो है हम लोग वहाँ पे खंडुआ में गांव में आए थे, तो सामने वो गांव है, तो वहाँ की भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं पहुंचा हूँ सेरू बनेरिया, और दोनों गांव जो है आमने सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमें फिर जो है सामने उसी गांव में वापस जाना है यहाँ से मिलके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब इतनी दूर आए गए हैं तो यहाँ भी जो है मिलके जाते हैं अंकल आंटी लोगों से। तो सामने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस गांव में हम आए हुए हैं गांव का पूरा नज़ारा मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये सामने वहाँ पे घर दिख रहा है दोस्त का, जहाँ की हमें फिर वापस वहीं जाना है, और वहीं की पूरी पार्टी जो है कल की रहेगी हमारी जो जहाँ से हम गैरसैंण जाएंगे। तो पूरा ये प्यारा सा गांव का मकान आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। और शाम के अभी टाइम हुआ है, यहीं से अब हम लोग जाएंगे यहाँ से इस तरह से कच्चे रास्ते से होते हुए देघाट में जो हेलीपैड बना हुआ है, तो वही मैं दिखाऊंगा आपको। फाइनली जो है अभी हम पहुंचे यहाँ पे देघाट में, ये हेलीपैड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसका कार्य जो है चल रहा है, प्रोसेसिंग पे है। और सामने जो है वहाँ पे डेयरी भी है, तो डेयरी में तो हम फिलहाल नहीं जा रहे हम यहाँ पे। अब ये हमने देघाट का यहाँ पे जो हेलीपैड था इसे देख के हम जा रहे हैं सेरू बनेरिया गाँव, और वहां से हम जाएंगे फिर सामने वाले गाँव में खडलुआ, जहाँ मैं पूरी ब्लॉगिंग आपको आगे दिखाऊंगा उसमें। और इसी के साथ हेलीपैड देखने के बाद हम आए इस तरह से यहाँ पे, रास्ते में हमें एक कुआं मिला इस तरह से छोटा सा। तो ऐसी चीजें जो है पहाड़ों पे बहुत कम जो है अब देखने को मिलती है। तो यहाँ से पानी पीने के बाद हम पहुंचे घर, और घर में जो है हमारे लिए तैयार हो चुके थे पकौड़े और चाय। तो वो चीज हम पकौड़े और चाय का खाने के बाद हम निकल चुके दोबारा फिर वापिस अपनी मंजिल की तरफ खंडुआ गाँव में। तो इस तरह से रास्ते में ये पुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम जो है सेरू बनेरिया से यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे पहाड़ों पे एक रिवाज होता है कि जब भी कोई किसी गांव में या किसी घर पहली बार जाता है ना, तो लोग टीका लगाते हैं और पिठाई देते हैं। तो जो लोग ज्यादातर पहाड़ से हैं तो उन लोगों को मालूम रहता है ये चीज़। तो देख सकते हैं भाई की टीका लग रखा है, मेरा भी, और उन्होंने लिफाफे भी दिए हैं हमें। तो ये हमारा पहाड़ी रिवाज होता है। तो इसी तरह से लास्ट टाइम जो है हम देघाट में भी इस तरह से हमने पुल के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पानी जो है छोटे छोटे जगह से मिलकर जो है एक आगे जाके पूरा जो है बड़ी जो है नदी का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये देख सकते हैं आप पूरा जो है आगे देघाट तक ये पानी जाता है, और यहाँ पे जो है इसे विनोद नदी के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां भी जो है यहाँ मिलेगी आपको इसके साथ। और ये पुल आप पूरा देख सकते हैं, ऊपर जो है गाड़ी हमारी पार्क खड़ी है रोड पे। और फाइनली जो है जैसे हम पहुंचे घर पे, तो इस तरह से गांव के कुछ लेडीजें जो है कल के प्रोग्राम की तैयारी में लगी हुई थी, रास्ते को जो है साफ क्लीन किया जा रहा था यहाँ पे। और जैसे ही लोगों ने मुझे देखा तो लोगों ने बोला कि हमारी भी वीडियो बनाओ करके। और ये काफी अच्छा भी लगता है कि हमारे पहाड़ों पे सारे लोग, गाँव के लोग मिलकर एक यूनिटी में जो इस तरह से काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो काम हो। तो अभी हम जो है वहां से हम आ चुके हैं यहाँ पे पंचायत घर में। तो ये दोस्त का फोन आया था कि यहाँ से जो है हम लोगों बर्तन उठा के उसके घर पे लेके जाने हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे बर्तन जो है यहाँ पे उसने रखे हुए हैं हमारे लिए स्पेशल, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से जो है घूम ही रहे इधर। तो उसने कहा कि जब भी आओगे तो ये बर्तन हमारी जिम्मेदारी है कि घर तक पहुँचाने हैं। तो इन बर्तनों को लेके हम जा रहे हैं घर। और घर पे इस तरह से पहुंचते ही आप लोग देख सकते हैं कि घर पे जो है इस टाइम काफी मेहमान लोग भी जो है कल के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तैयारियों के लिए आ चुके थे यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और हम लोग भी जो है फाइनली जो है घर पे यहाँ पे पहुंच चुके थे। और उसके बाद शाम को कुछ इस तरह से जो है तैयारियां शुरू हुई हम लोगों की। टेंट यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया था, डीजे जो है कल ही चलने थे। फाइनली जो है इस तरह से शाम को जो है सब ने मिल बैठकर जो है खाना बनाया और पकाया भी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पहाड़ों पे जो है रोटियां जो है बनाते हैं, यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पहाड़ी रीति रिवाजों से रिलेटेड काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा।